इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप रेगुलर इनकम की डिमांड करते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में ना डाल करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जो डाइवर्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये आपकी रिस्क भी कम कर देता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं zviz.com। अगर आप अपना सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है FD का, लेकिन यहाँ पर आपको कम रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता है वो होता है बॉन्ड। जो बॉन्ड है यहाँ पर आपको FD से ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो स्टॉक से कम होता है। अब समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फ़ंड रेज करती है। अब फ़ंड रेज करने के उनके पास तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट फ़ंड रेज करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो बैंक के पास जाएं और वहां से लोन ले लें। तीसरा तरीका होता है बॉन्ड्स इशू करने का, जिसके ज़रिए वो पब्लिक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मदद से फ़ंड रेज कर सकते हैं। अब अगर वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए फ़ंड रेज करते हैं तो यहाँ पर उन्हें पब्लिक को शेयर होल्डर्स बनाना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो कम हो जाती है। हो सकता है कि कंपनीज ऐसा ना चाहती हों, तो फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है बैंक के पास जाने का। अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने होते हैं। हो सकता है कि कंपनी इतना इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना चाहती हो, तो फिर उनके पास तीसरा ऑप्शन होता है बॉन्ड्स का, जहाँ पर उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर फ़ंड रेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब बॉन्ड्स की प्रोसेस को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए सरकार ने फ़ंड रेज किया। इसके लिए सरकार या तो पब्लिक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जा सकती है। मान लीजिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो रेज किया। इसमें पब्लिक ने बॉन्ड्स लेना शुरू किए। अब जो इनकी रिक्वायरमेंट थी सरकार की वो मान लीजिए पूरी हो गई, तो आपसे कहा गया कि ये जो पैसा है वो आपसे 5 साल के लिए लिया गया है, जिसके बदले आपको कुछ तय इंटरेस्ट रेट है वो दी जाएगी। तो या तो ये आपको एनुअली दी जाएगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सारा सब कुछ आपको मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह मिल सकता है। इसी पैटर्न पर जो कंपनीज हैं वो भी अपने फंड रेज करती हैं, तो इसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम इसे रिस्क और रिटर्न दो फैक्टर्स के साथ कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट में आपको मिलता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, वहीं FD में आपको देखने मिलता है लो रिस्क लो रिटर्न। इसके बीच का रास्ता होता है बॉन्ड्स, जहां पर आपको मिलता है मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न। अब जान लेते हैं बॉन्ड्स के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला तो फिक्स रिटर्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर कोई मंथली या फिर एनुअली जो है अपनी इनकम देख रहा है तो इसमें बॉन्ड्स जो हैं वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो डाइवर्सिफाई होता है। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर ये है कि आप इसे प्लेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एज अ सिक्योरिटी भी आप बॉन्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बॉन्ड्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आती है फेस वैल्यू। सो द फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट द वैल्यू विच इज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड। इसके बाद आता है कूपन रेट। कूपन रेट क्या होती है, जो ब्याज दरें हैं उन्हीं को कूपन रेट कहा जाता है। इसके बाद आता है टेन्योर। जिस तरह से FD का एक टेन्योर होता है, एक अवधि होती है, इसी तरह बॉन्ड्स की भी अवधि होती है, 3 साल या 5 साल, तो इसे हम कहते हैं टेन्योर। इसके बाद आता है कूपन पेमेंट डेट्स। ये वो समय होता है जो इश्यूअर आपको देते हैं, जिस समय ये आपको सारा इंटरेस्ट जो है वो पे करने वाले होते हैं। ये डेट आपको पता करना होती है, ये क्वार्टरली है एनुअली है, ये आपको पता करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है डेट ऑफ रिडम्पशन। अब जब कंपनी आपसे पैसा लेती है तो वो आपको ये पैसा वापस भी करेगी, तो किस तारीख को आपको ये पैसा वापस करने वाले हैं उस तारीख को कहेंगे डेट ऑफ रिडम्पशन। ये सालाना हो सकता है, तिमाही हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका जो बॉन्ड है उसके टेन्योर पर। इसके बाद आता है रिडम्पशन वैल्यू। अब कंपनी ने आपसे जो पैसा लिया था वो आपको किस तरह वापस किया जाएगा उसे हम कहते हैं रिडम्पशन वैल्यू। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि कंपनी ने आपसे 1,000 रुपये लिए और आपको 1,000 रुपये ही वापस कर दिए, तो इसे कहते हैं रिडम्पशन एट पार। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी ने आपसे 1,000 रुपये लिए और आपको कहा कि हम आपको 1,000 रुपये प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ जो है वो रिटर्न करेंगे, तो इसे हम कहेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा तरीका ये होता है कि कंपनी ने आपसे 1,000 रुपये लिए और कहा हम आपको -2% पर ये जो पैसा है वो वापस करेंगे, तो इसे हम कहेंगे रिडम्पशन एट डिस्काउंट। तो ये थी बॉन्ड से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही खास बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें zviz.com। नमस्कार।